मैं हूँ फॉर बिग मिस्टेक ड्रामा सीरियल मुझे विदा कर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट ड्रामे ARY की है और ये वीडियो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि ड्रामे की बुराई करने के लिए। तो प्लीज आप लोग भी ज्यादा दिल पर ना ले। शुक्रिया। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान के लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हुई काशवा ने ब्लैक कलर की चप्पल पहने होती, जो रिश्ता मांगने के बाद जैसे घर जाती है तो ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं। उस्मान के लिए रिश्ता मांगते वक्त आंटी ने प्लेट साइज के टॉप्स कानों में टोसे होते हैं, लेकिन रिश्ता मांगने के बाद जैसे वापस घर पहुंचती है तो प्लेट साइज के टॉप्स न जाने कैसे छोटे हो जाते हैं। जा पूछ क्या। करीब से दिखाते वक्त फरहीन के पीछे ये दो टमाटर इस डायरेक्शन पर पड़े होते हैं, लेकिन इसी दौरान कैमरा ऊपर से दिखाता है तो टमाटर की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है, जबकि इनको किसी ने कुछ कहा भी नहीं। ख्यालों में खोई हुई आंटी साइड से दिखाते वक्त सोफे के इस कोने पर बैठी हुई नजर आती है, लेकिन कैमरा जरा दूर से दिखाता है तो आंटी सोफे के बीच में बैठी हुई नजर आती है। और अभी आंटी सोफे के बीच में बैठी हुई अच्छी खासी नजर आती है, लेकिन जैसे शादी आती है और कैमरा दूर से दिखाता है तो आंटी फिर से कोने पर बैठी हुई नजर आती है। मैं कैसे बेगम को गाड़ी में बिठाकर ब्लैक कलर के जूते पहनने वाला उस्मान जैसे रास्ते पर पुल खरीदने के लिए गाड़ी से उतरता है तो ब्लैक कलर के जूते ब्राउन हो जाते हैं। इस सीन में सादिया के सारे बाल पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन जैसे कैमरा सामने से दिखाता है तो हाथ लगाए बिना आधा बाल आगे की तरफ चले जाते हैं और फिर फटाफट वापस पीछे आ जाते हैं। और आंटी के आते वक्त सारे के सारे बाल पीछे की तरफ अच्छे भले नजर आते हैं, लेकिन जैसे आंटी आकर इसको डांटती है और कैमरा सामने से दिखाता है तो फिर से बिना हाथ लगाए आधा बाल आगे की तरफ आ जाते हैं।